हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में थोड़े से जो प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं ना वो थोड़े से कम है, मतलब कंपेरेटिवली, है ना। क्योंकि उसमें या तो बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ थोड़े से ट्राइंगल के क्वेश्चन 4-5 ही है, ज़्यादा मेरे को मिले नहीं अभी, है ना, 20-20 वगैरह के। तो मतलब उसमें शायद ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन तो है, बट वो 10th वाला ट्राइंगल्स है ना, सिमिलर ट्राइंगल, उसके बेस पे ज़्यादा है, ठीक है। बाद में कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे तो कोई एक और वीडियो बना लेंगे। अभी तो क्या कि एक्चुअल में एक सिक्वेंस चलती है ना, तो बच्चा ये सोचता है कि सर ये जब तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन नहीं कराओगे वो कम्प्लीट देगा, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा सोचा तो उसको कम्प्लीट करवा देता हूँ मैं। तो मतलब कुछ थोड़ा सा छोटा ही वीडियो होगा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है मेरे पास तो मैं उसमें से आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चलो, बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, क्या बोला है ये थोड़ा सा एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन भी नहीं, ये अपने ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। अब इसमें बोला है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 17 एंड लेंथ ऑफ द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड। देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट नॉन कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझाता हूँ। देखो जब आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो इक्वल साइड है उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो देखो 17 17 हो गए, नॉन कॉन्ग्रुएंट 16 है, क्लियर। अब क्या करता हूँ मैं, ये बोला है कि इसकी जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस बतानी है नॉन कॉन्ग्रुएंट अपोजिट वर्टेक्स नॉन कॉन, ठीक है। ये सपोज बी, ये सी और ये सी, ठीक है। सपोज इसका मीडियन बनाता हूँ मैं, तो देखो मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो इसका मीडियन होता है ना वो इसका, ये जो दोनों सेम साइड है ना इक्वल साइड, उसके बीच में से पास होने वाला इसका मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और साइड को मतलब मीडियन एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सेम होता है जो इस साइड से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पास करवा दो, वो तो सब तो उसमें इक्वल होते हैं अपने, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो दोनों साइड जहां मीट करती वहां से ऐसा होता है। ये टोटल 16 है तो बेटा ये 8 8 होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं, सपोज इसको डी बोल देता हूं। तो देखो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, क्लियर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सर ए सी आपको दिया हुआ है क्या? हाँ सर, ए सी दिया हुआ है 17 स्क्वायर। ये निकालोगे तो ए डी स्क्वायर आपको निकालना है, क्लियर, प्लस डी सी स्क्वायर वो है आपका 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 64, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 225, रूट निकाल दो रे बाबा, तो 15 आएगा। ये कितना है बेटा? 15 है, क्लियर, ठीक है। अब एक्चुअल में ये नहीं पूछा इसने, देखो सपोज एक मीडियन और बनाता हूँ मैं, ठीक है, मीडियन बनाता हूँ, ये मीडियन है सपोज ये मीडियन है, नहीं थोड़ी सी अलग बनाता हूँ मैं तो आपको लगे, ये मीडियन है, परपेंडिकुलर हो नहीं जरूरी नहीं, ये दोनों जहाँ मीडियन मीट करती ये क्या होता है? सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड, क्लियर, ये इसका सेंट्रोइड होता है, क्लियर। और जो सेंट्रोइड होता है ना वो इस मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा, शायद ये बात मैंने आपको बताई थी, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट बताई है तो भी अच्छी बात, नहीं बताई तो वापस दे, मतलब इसको 2:1 में डिवाइड करता है, AG बाई GD इन दोनों का रेशियो कितना होता है बेटा? 2:1 होता है हमेशा, क्लियर। AG बाई GD का रेशियो कितना होता है? 2:1 हमेशा, क्लियर। और अभी जो ये निकाली ना बेटा वो कितनी है? AD, क्लियर। और अपने को निकालनी है AG निकालनी है, यानी सेंट्रोइड की डिस्टेंस निकालनी है वर्टेक्स अपोजिट टू द नॉन कॉन्ग्रुएंट, ये है इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो AG निकालनी है। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, AG में यहाँ से लिखूँ तो AG कितना होगा? 2 times GD होगा, या फिर मैं GD को x मान लेता हूँ तो AG कितना होगा? 2x होगा,
के लिए जी डी को एक्स मान लेते, ए जी टू एक्स हो गए। अब देखो ए डी की ये मतलब ये आपका टू एक्स हुआ और ये कितना हुआ एक्स हुआ, तो दोनों मिला के कितना है 15, टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 15, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5 और एक्स इक्वल टू 5 आ गया, तो ए जी कितना आया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो 10 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका यही हो सकता है 2:1 में डिवाइड करना है 15 को, किसमें डिवाइड करना है 15 को, तो है ना रेशियो प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा हुआ है ना, तो 2:1 में डिवाइड करना है, तो कितना होगा इसका, ये ए जी निकालना है तो 2/3 × 15, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो उससे भी आप सॉल्व कर दो, बाकी कैसे भी कर दो आंसर सेम आएगा। तो बात समझ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सेंट्रॉयड विल ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स, है ना, मतलब ये वर्टेक्स है, क्लियर, फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स, सॉरी सेंट्रॉयड ऑलवेज डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, उड़ीसा 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 से क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल 16√3, देन द फाइंड ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। अभी ये तो वैसे उसका क्वेश्चन नहीं है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/2 × a² के लिए। ठीक है, √3/2 ही होता है ना, √3/4 a² होता है शायद, √3/a होगा तो a होगा तो ये बनती है a, ये होता है 60, तो साइन 60 कितना आ cos 60, तो √3a/2। ठीक है, ये होता है आपका √3/4 a² भूल गया रे मैं भी, याद नहीं रहती यार कभी कभी चीज़ें भूल ही जाते हैं, 16√3, तो √3 से √3 कटा तो a² = कितना आ गया 16 × 4, तो a कितना आ गया आपका, रूट निकाल दो 64 होगा a², तो a कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ऐसा ऑप्शन है रे बाबा, या 8 यूनिट आपके पास पड़ा है आंसर, तो बड़ा आंसर इजीली हो गया। क्लियर, 2020 का क्वेश्चन है वही सारा, चलिए तो एरिया का है ये तो वैसे क्वेश्चन, पर ट्राइंगल दिया हुआ था तो अपन ने ले लिया। क्लियर, अब देखो इसमें क्या है सिंबल, ये भी ये मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल का क्वेश्चन हो गया, ए बी सी। ठीक है, उसने बोला है बी सी और ए सी इक्वल है, बी सी और ए सी इक्वल है, क्लियर, एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, इसके सामने वाला 72 तो इसके सामने वाला भी 72 होगा। अब पूछा क्या है एंगल सी, तो ये थर्ड एंगल निकाल दो, तो 72 + 72 कितना हो जाएगा 144, तो 180 − 144, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, 5 गया तो 3, 36 डिग्री, तो सी आपका 36 डिग्री आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सा आइसोसेलिस ट्राइंगल का सिंपल सी प्रॉपर्टीज दे रखी थी इन्होंने कि इफ आइसोसेलिस ट्राइंगल में ऐसा है 72 तो आपको थर्ड एंगल निकालना है। या ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इंटीजर, इट्स पेरीमीटर इज 14। क्लियर, तो इसने बोला है कि 14 पेरीमीटर होना चाहिए, पेरीमीटर कितना है 14। क्लियर, तो बोला है कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो ट्राइंगल में दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए और तीसरी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं निकालता हूँ, सपोज एक साइड 1 लेता हूँ, दूसरी 1 लेता हूँ, 12 लेता हूँ। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 2 2 2 ले लेता हूँ सपोज, है ना, सपोज मैं 2 2 ले लेता हूँ तो 4 और यहाँ पे बचेगी 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 3 लूँ 6 6 और ये 8, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा 9 होगा ना, 4 तो ये आपकी बचेगी 10 होगी। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 4 लूँ और 6 लूँ, 4 4 6 लिया तो 10 8 और 6, ये थोड़ी सी पॉसिबल है। तो देखो पहले तो अपने को देखनी है क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने देखा सब मतलब छोटी छोटी साइड्स की ओर गया, तो देखो 1 लिया मैंने सबसे पहले, ठीक है, एक साइड 1 ली। क्लियर,
तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला प्रोसेस हो जाएगा इसमें कि दो साइड का, ठीक है। तो वन के साथ मैं क्या साइड लूँ कि उसका सम उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं सपोज लेता हूँ 13 नहीं लेता हूँ, 12 लेता हूँ, तो ये कम ही होगा नहीं। देखो पहले ये ली सपोज, इसके आसपास ही देख लेते सही रहेगा। 4 4 6 क्लियर। और क्या हो सकता है, 4 5 6 ले लो तब भी सही। आप 4 5 7 12 और 4 4 6 गलत है क्या? 12 और 12 नहीं सर, यहाँ बढ़ा ही ना तो यहाँ कम कर लो, ये भी चलेगा ठीक है। 2 का सम तीसरे से बड़ा है ठीक है, डिफरेंस भी निकालोगे तो तीसरे छोटा ही आएगा ठीक है। और देखो तो 3 5 6 ये भी चलेगा, 8 और 2 ठीक है। और देखोगे तो 2 6 6 ये चलेगा क्या? इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है ठीक है, चलेगा ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तीसरे बड़ा है ठीक है, सही है। ये हो गए 4 तो अपने बन गए क्लियर। मैक्सिमम 6 ही ऑप्शन है, और देखते हैं क्या बन सकता है इसमें, है ना। मतलब उल्टा मत कर देना सर, यहाँ 6 लिया फर्स्ट 6 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बोला कितने पेयर्स बन पाएंगे, तो 4 4 6 है, भले वो पहली साइड हो दूसरी हो तीसरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है। और क्या बन रहा है देखो, है ना, 3 2 7 के साथ नहीं बनेगी क्या? 7 7 के बाद 7 बचा तो 3 4 बचेगा, तो नहीं ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि तीसरा साइड के सम के इक्वल आ जाएगा, तो 4 ही होगा मोस्टली मेरे को लग रहा है ना। 8 ये हो गया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 लेके चेक कर लिया है ना। 5 भी, 5 वाला आ ही गया यहाँ पे, 5 में और तो नहीं बचा। 2 5 7 7 और 7 ये भी नहीं बचेगा, ये भी चलेगा नहीं। 2 5 मेरे को लग रहा है ये 4 ही केस बन रहे ठीक है। तो इसमें चेक कर लेना यार, कोई मिस हो जाएगा तो ठीक है, देख लेना एक बार जो भी मिस हो गया वो तो सपोज, बाकी ये 4 ही ऑप्शन बन रहे हैं मोस्टली ठीक है। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक क्वेश्चन आया हुआ था बिहार में क्लियर। तो यार इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं यार, कॉन्ग्रुएंसी में मेन बात ये है ना। तो मैंने इतने से जो क्वेश्चन थे तो मैं थोड़े से सॉल्व करवाए, मतलब 2 4 ही क्वेश्चन थे पहले ही बोल दिया था क्लियर। तो और मिलेंगे तो मैं और डाल दूंगा वापस बाद में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अभी वो उस टाइप में थे नहीं क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा ढूंढे प्रीवियस ईयर मेटिक पेपर से, तो जो कॉन्ग्रुएंसी के मैंने 2020 के ही ढूंढे ना, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कुछ 2 3 क्वेश्चन मिले, बाकी तो मोस्टली वही है दो उसके ट्राइंगल एरिया सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे जब मेरे पास और मिल जाएंगे क्वेश्चन तो मैं एक और डाल दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।